आशा वर्कर्स ने बताया कि जब तक सरकार से बातचीत करके समस्याओं का समाधान नहीं होता है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आशा वर्कर्स यूनियन के पंचकुला प्रधान सुमनलता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि उनका वेतन मान बढ़ाया जाए, निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाई जाए, सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन की बहाल की जाए, मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द किए जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, आशा वर्करों से ऑनलाइन काम बंद करवाया जाए। आज आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एनएचएम के बाहर, उसके बारे में बताएं जरा। ये हमारा धरना 8 तारीख से हमारा धरना चला हुआ है। हम पहले डीसी ऑफिस में बैठते थे और 8 तारीख से लेके और कल तक हम डीसी ऑफिस बैठे थे, लेकिन कल वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले हैं उन्होंने हमारे को कल नोटिस दिया भी आप यहाँ पे डीसी कार्यालय पे नहीं बैठ सकते। तो हमने डीसी मैडम से मीटिंग की और उनसे बातचीत करके हमने अपना धरना यहाँ पे डीसी यहाँ पे एनआरएसएम के दफ्तर में लगवाया और उनसे हमने आग्रह किया कि हाँ हमारे को यहाँ पे एनआरएसएम दफ्तर में बैठने दिया जाए, तो इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि हमारे को न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए और 2018 से हमारा जो ये हम आंदोलन में जो है आशा वर्करें और 2018 से हमारा एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया और इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। अगर सरकार आपसे बात नहीं करती या फिर आपकी सुनवाई नहीं करती तो आगे क्या रहेगा? आगे हमारा ये एक भी हम अगर सरकार हमारी बातचीत को नहीं सुनती है या हमारे से बात नहीं करती है तो हम निश्चित हड़ताल करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।